अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू शागरूब एजुकेशनल चैनल। क्लास 9, सब्जेक्ट कंप्यूटर। हमारा जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इसके टॉपिक पर चलते हैं। जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ सेट ऑफ द प्रोग्राम डैट कंट्रोल एंड सुपरवाइज द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एंड यूज़र फॉर कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कंट्रोल करता है हमारे प्रोग्राम को और सुपरवाइज करने में मदद देता है। हार्डवेयर के साथ मिलकर ये वर्क कर रहा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और यूज़र सबके साथ मिलकर ये वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो हार्डवेयर के पार्ट्स हो चाहे वो सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हो, उन सब के साथ इसका कनेक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये हमारे पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करके आगे सुपरवाइज करता है। इस टॉपिक के हवाले से एमसीक्यूज देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी एग्जाम्पल है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो ये हमारे पास बी आएगा, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हमने मुख्तलिफ टाइप में इसको डिवाइड कर दिया है। नंबर वन हमारे पास बूटिंग है, नंबर टू हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट है, नंबर थ्री हमारे पास यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर है, फोर हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइव हमारे पास इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, सिक्स हमारे पास फाइल मैनेजमेंट है, सेवन हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट है और एट हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले इसकी फंक्शन पर चलते हैं। पहला फंक्शन इसका बूटिंग सिस्टम है। इट इज़ द प्रोसेस टू स्टार्टिंग द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट चेक द कंप्यूटर रिसोर्सेज। बूटिंग मीन कंप्यूटर को जो स्टार्ट करना होता है वो चीज़ हमारी बूटिंग प्रोसेस कहलाती है, जिससे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पास चेक करता है कि कंप्यूटर में रिसोर्स तमाम चीज़ें एक कंप्यूटर की सही है। जब बूटिंग सिस्टम ऑन होता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उस चीज़ को हम बूटिंग सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मैनेज करता है तमाम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिसोर्सेज को। दिस इंक्लूड अलोकेशन एंड डी लोकेशन ऑफ प्रोसेसर मेमोरी, एक्सेस टू शेयर कैश मेमोरी एंड एक्सेस टू रिसोर्स। ये हमें जो भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है तो ये उसको उसकी लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र करता है और आगे शेयर करने में उसको मदद देता है। रिसोर्स मैनेजमेंट। नंबर थ्री है हमारे पास यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर। इसको यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है और कमांड इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। वी इंटरैक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूज़र इंटरफेस। हम ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरह से इंटरैक्ट हो सकते हैं? हम इससे यूज़र के तौर पर इंटरफेस करते हैं। कमांड इंटरप्रेटर इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच रीड द कमांड यूज़र। कमांड एक जो हमारे पास इंटरप्रेटर होता है, जो भी हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे होते हैं ये उसको आसानी से रीड कर सकता है। इंटरप्रेटर देम एंड ट्रांसलेट देम इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन डेट द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। जो भी हमें इसमें से मशीन जो होती है, जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर डला हुआ होता है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देता है तो हम हार्डवेयर के पार्ट के ज़रिए तो वो हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये हमारे पास यूज़र इंटरफेस है जो कंप्यूटर के दरमियान और जो यूज़र यूज़ कर रहा है उसके दरमियान इंटरेक्शन बना के रखता है। फिर हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर मेमोरी, असाइनिंग पोर्शन कॉल्ड ब्लॉक टू द वेरियस रनिंग प्रोग्राम टू ऑप्टिमाइज ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। मेमोरी मैनेजमेंट रिसाइड इन हार्डवेयर, इन द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इन प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन।
मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर के साथ। ये हमारे पास बहुत से प्रोग्राम्स को आपस में मिलाकर उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं हम मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। ये हमारी जो भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको कंट्रोल करके आगे सेव करता है और उसको मैनेज करता है हार्डवेयर के पार्ट के साथ मिलाकर और ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स के साथ मिलाकर उसको कंट्रोल करता है और उसको सेव करने में मदद देता है मेमोरी मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड द डिवाइस ड्राइवर टू फैसिलिटेट इनपुट आउटपुट फंक्शन इन्वॉल्विंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस ड्राइवर आर सॉफ्टवेयर डेट कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थ्रू कंट्रोलर। ये हमारे पास जो डिवाइस ड्राइवर्स जो उसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर लगे हुए होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं कि इनपुट आउटपुट फंक्शन को जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ मिलाते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर जो डिफरेंट जो ड्राइवर्स डले हुए होते हैं वो सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते हैं और उसको सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के बाद उसका इनपुट आउटपुट के साथ उसको कनेक्शन उसका जोड़ते हैं। ये इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कहलाती है जो हमारे पास ये डिवाइस ड्राइवर में पहले से सेव होती है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट हमारे पास क्या होता है? इट मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज रिट्राइवल नेमिंग शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल। फाइल मैनेजमेंट हमारे पास क्या काम करता है? ये हमारे पास रिलेट करता है ऑल एक्टिविटीज़ के साथ मिलकर। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, स्टोरेज देख सकते हैं, नेमिंग शेयरिंग तमाम प्रोटेक्शन फाइल की जो भी प्रोटेक्शन होती है सब चीज़ें जो मैनेज कर रहा होता है वो फाइल मैनेजमेंट कर रहा होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, अ प्रोसेस इज अ जॉब और एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट मैनेज क्रिएशन डिलीशन सस्पेंशन एंड रिजम्पशन ऑफ प्रोसेस। द ट्रम प्रोसेस रेफर टू प्रोग्राम कोड डेट हैज़ बीन लोडेड इन टू द कंप्यूटर मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन बाय द CPU। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस रनिंग। ये हमारे पास जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है तमाम प्रोसेस की एक्टिविटीज़ को जो परफॉर्म हो रही होती हैं उन तमाम चीज़ों को सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर देख रहा होता है कि कौन सी चीज़ नई चीज़ क्रिएशन हो रही है, किस चीज़ को डिलीट किया जा रहा है, किस चीज़ में सस्पेंशन लगाई जा रही है, कौन सी चीज़ प्रोसेस हो रही है, आगे कौन से प्रोग्राम के कोड्स लग रहे हैं, कौन सी नया सॉफ्टवेयर लोडेड किया जा रहा है कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फिर ये रनिंग करके उसको डिसाइड करता है ऑर्डर के ऊपर कि आगे प्रोसेस में जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह डल रहा है वो आगे मैनेज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने वाले हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाते हैं। यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट से मुराद है जो चीज़ जो यूज़ कर रहा होता है वो यूज़र कहलाता है, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है। इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मैनेजमेंट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइस नेटवर्क ETC। ये मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारे पास ये यूज़र की मैनेजमेंट को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि यूज़र को किस टाइप की मैनेजमेंट के लिए लिए इसको यूज़ कर रहा है, तो उसी हिसाब से वो उसके ऑर्डर पास कर रहा होता है। और वो इसके अलावा हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्क के साथ मिल के काम कर रहा होता है वो, और सॉफ्टवेयर के ऊपर ऐसी इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है जो यूज़र काम कर रहा होता है उसी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा होता है। इसके बाद इसी टॉपिक के MCQs देख लेते हैं। नंबर वन है हमारे पास विच मैनेजमेंट कंट्रोल द एक्सेस ऑफ अ यूज़र टू वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक प्रोग्राम हार्डवेयर एंड नेटवर्क। तो हमारे पास जो कंट्रोल करता है एक्सेस करता है रिसोर्स प्रोग्राम और हार्डवेयर के साथ मिलके वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? वो चीज़ हमारे पास रिसोर्स कहलाती है। ये हमें रिसोर्सेज फराहम करते हैं, ज़राए फराहम करते हैं कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास MCQs है। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड है। जो लोडिंग का जो प्रोसेस होता है जब कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? ए बूटिंग, बी बूटस्ट्रैपिंग, सी बोथ, ए एंड बी और डी नन ऑफ द अबव। तो जो प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोडिंग पे जा रहा होता है लोड हो रहा होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बूटिंग कहलाता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें शाह।